अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताजुल हक सूफ़ी है। अभी मैं यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट किया तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया, और ये सुसाइड अटेम्प्ट करने की वजह है ज़ियाउल हक फ़ारूक़ी और उनकी अम्मी सैयदा गौहर उनिसा और उनकी सिस्टर तहरा फ़ारूक़ी। 2018 से ये मैं से दोस्ती करा, पहले पोलाइटली दोस्ती करा एंड आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर पर आने लगा। मैं रिसेंटली मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई थी इससे दोस्ती होने से पहले, 2017 में वाइफ़ की डेथ हो गई थी। थोड़ा सा सेंटिमेंटल था, मैं अकेला था, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मेरे घर पे आने लगा, मेरे घर पे रहने लगा, रह के फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन में आ गया मेरे। और उसके बाद हर वक्त डिमांड करता था पैसे दो और उसके सारे अखराजात पूरे करो, जिम की फ़ीस, खाने पीने का सामान, इवन उसके घर में राशन भी कई दफ़ा डलवाया मैं। फिर उसके अम्मी की बर्थडे रही तो उन लोग के उसमें भी हज़ारों का पैसा। फिर इसकी शादी 2022 में शादी हुई इसकी, 7 फरवरी को, इसकी शादी में भी सारा पैसा मेरे से ही लगवा के पूरी शादी करवाया। वो सारे मेरे पास प्रूफ्स है। आपको क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके मसरूफियात क्या है? मैं होम ट्यूटर हूँ और फिर ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, सऊदी के उधर के बच्चे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 हो जाती मेरी इनकम, जिसमें से सिर्फ मैं किराए निकाल के सारा का ब्लैकमेल करने की वजह क्या है, मतलब क्या बोल के ब्लैकमेल करते थे? एक दिन पढ़ते पढ़ते सो गया एंड देन सडनली वो मेरे साथ कुछ नाजिबा हरकत करने लगा, बट मैं भी उस टाइम पे उसको नहीं रोका क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। एंड देन तब से शुरू हो गया, उसके बाद बोलने लगा कि ये है सब है, फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया वो। आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हुआ ज़िया और मेरे बीच। उसके बाद 2019 में मेरी शादी हुई 1 नवंबर को, तो उसके बाद मैं उसको कट आउट कर दिया। सेकेंड मैरिज उसके बाद उसको मैं कट आउट कर दिया। कट आउट कर देने के बाद 1-2 हफ्ते तक तो खामोश बैठा, उसके बाद फिर आके मेरे को ब्लैकमेल करने लगा कि तुम मेरे को वक्त नहीं दे रहे, तुम मेरे को बुला रहे नहीं पहले के जैसा। मतलब मेरी शादी होगी, अब मेरे पास वाइफ है, मैं नहीं बुला सकता अब तुम्हारा को। तो फिर वो मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बोला कि मैं पूरा रिवील कर देता हूँ, तुम अगर ऐसा करेंगे ना तो मैं रिवील कर देता हूँ तुम्हारे ससुराल में, इधर सब जगह बोल देता हूँ, रिवील कर देता हूँ। तो अब हॉस्पिटल कैसा पहुँचे? अब ऑफिस से मैं जब खा के अनकॉन्शियस हो गया था, रिसेंटली मेरे एक दोस्त आए तो उन्होंने नॉक करे, उन आए आके फिर फ़ौरन उन्होंने शालीबंडा पी एस पे कॉल करे, तो वहाँ से पुलिस वाले आए और फिर एम्बुलेंस आई, वहाँ पर उन लोग मेरे को यहाँ पर लेकर आए, लेके आके मेरा पॉइजन ये सब निकाले करे। अभी डॉक्टर तो कुछ नहीं बोले, अभी पॉइजन निकाले, अभी वो पाइप डालना है नाक में एंड देन ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब अभी कंप्लेन कराए? जी नहीं कराया कंप्लेन अभी। मैं अभी आके पुलिस वाले जी हाँ यहाँ पे बयान लिए मेरा जी। और ये जिया आपको इससे पहले कभी ऐसा करे थे? उनकी शादी से पहले तक, उनकी शादी कराओ, उनके लिए कपड़े बनाओ, मतलब हर चीज़ का शादी तक कराए, जैसा शादी होता है ख़त्म, पूरा शादी वाली में हर चीज़ उनका मैं ही करा। तो उनका इतना खर्चा उठाने की वजह क्या है आपको, आपको डर क्या था? रिलेशन था ये, बल्कि इतने इमोशनली ब्लैकमेल करते थे ताकि मेरे को, पहले तो मेरे को मेरे ख़ानदान से मेरी फैमिली से सबसे अलग कर दिए, अलग कर दे के फिर अब बोलने लगे कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, अब मैं भी छोड़ दिया तो तुम जो है ना तिले तिल मर जाएंगे अकेले रह के, मैं छोड़ना ना मैं तुम्हारा को, तो तुम मैं जैसा बोले वैसा सुनना, ऐसा इमोशनली मेरे को ट्रैक करो। और ज़िया के पास हम लोग के फ़ोटोज़ भी थे, मतलब हम लोग जो भी करते थे एक्टिविटीज़ उसके फ़ोटोज़ थे, तो उसके बेस पे उन्होंने जो है ना ब्लैकमेल भी करता था मेरे को कि फ़ोटोज़ है ये है नहीं तो मैं डाल देता हूँ। डे वन से उसके पास फ़ोटोज़ है। और ये ज़िया मेरे साथ नहीं, मेरे से पहले भी कई बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन में था उन्हें। उसके बाद मेरे को पकड़ा, पता नहीं कैसा पकड़ा, कैसा क्या करा, बस उन्हें जब से आने लगा तब से मैं अनकॉन्शियस हो गया। ब्लैकमेल करने की वजह से आप सुसाइड की कोशिश करें? जी हाँ। अब मैं तीन मुगलपुरा पीएस में आप कुछ कंप्लेन दिए थे? जी हाँ कंप्लेन दिया था, मैं यही कंप्लेन दिया था कि मतलब मेरे 10 लाख रुपए ले चुका है इन्हें और मेरे को ऐसे ब्लैकमेल करके करा के 10 लाख रुपए ले गया हो, तो वहाँ पे लोग आके कॉम्प्रोमाइज़ भी कराए, माफ़ी मांगे और 1,20,000 दिए और बोले कि फिर हम देते रहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिए। विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फीकस सिर्फ 5,000 रुपए, नकदिया आसान अकसात पर, नेटको फार्मा, पीएनजी,
जॉनसन एंड जॉनसन एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब गेटेड कम्युनिटी वाटर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल चंद्रयान गुट्टा हैदराबाद फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400 9505704041